रिट्रेसमेंट के ऊपर आज पूरी तरह से ध्यान देंगे हम लोग कि रिट्रेसमेंट को किस तरह से हम लोग देख पाएंगे, या फिर रिट्रेसमेंट को कैसे हमें एनालिसिस करनी है रिट्रेसमेंट के ऊपर, क्योंकि रिट्रेसमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, इंट्राडे में भी, स्विंग में भी, और इन्वेस्टमेंट में भी। इन्वेस्टमेंट में तो फिलहाल उतना नहीं, बट अगर बात करते हैं हम लोग स्विंग की। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? दिनेश माइक म्यूट कीजिए अपना। यस सर। ओके ठीक है। अभी इन रिट्रेसमेंट्स को फाइंड करने का कौन कौन सा, मतलब कहाँ पर हमें इन रिट्रेसमेंट्स को फाइंड करना होगा, या रिट्रेसमेंट का हम यूज कैसे करेंगे? छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज होता है ट्रेडिंग में। जब भी हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाते हैं, सबसे पहले तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तीन तरह से जितने भी रिट्रेसमेंट आप कुछ भी देख लो, आप हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस को एनालाइज करो, वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है रिट्रेसमेंट्स की। लोअर टाइम फ्रेम पर आप प्राइस को एनालाइज करो, वहां पर जरूरत पड़ती है। और जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस वक्त, तो ये टोटल कितने भी तरह से रिट्रेसमेंट्स हो, हम जब भी ट्रेड एग्जीक्यूशन पर जाएंगे, प्राइस को एनालाइज करने जाएंगे, तो सिर्फ ये तीन पॉइंट्स दिखते हैं जहां पर कि हम ट्रेड्स को अपने रिट्रेसमेंट की हमको जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, फर्स्ट से नहीं, थर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट, उसके बाद में हाई टाइम फ्रेम बनाते हैं, और फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। इन तीनों पॉइंट्स पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला फॉर लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, अभी लोअर टाइम फ्रेम पर जब आपको प्राइस को एनालाइज करना है तो क्या करना होगा? जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम पर आप प्राइस को तभी एनालाइज करोगे जबकि आपके पास हायर टाइम फ्रेम का एक रेंज होगी, हायर टाइम फ्रेम का एक पॉइंट होगा जहां से आपको प्राइस का एनालिसिस शुरू करना है। अब आपको इस पर्टिकुलर लेवल से, चलिए हम मान के चलते कि आपको यहाँ से शॉर्ट करना, ये एक तरह से आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि एक प्री डिफाइंड लेवल है। ये प्री डिफाइंड लेवल है अपना। अभी आगे चल करके हो सकता है आपने वीडियोस देखे हुए हो, अगर नहीं देखे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी इस टर्न पर हम पहुंचे नहीं है। हाई टाइम फ्रेम कुछ लेवल्स होंगे ना, उसको जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स समझ में आएंगे, इन लेवल्स का आपको ड्रॉ कर लेना। ये प्री डिफाइंड लेवल्स हो गए। अब मूवमेंट बचती है हमारी लोअर टाइम फ्रेम की, कि लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस के मूवमेंट्स को हमें देखना है। अब जब प्राइस आपका अपनी उस रेंज, अब मान लीजिए कि प्राइस इस तरह के मूवमेंट दिखाता दिखाता मेरा यहाँ तक पहुंचा, टर्न आउट हो जाने के बाद में, अब मान लीजिए कि यहां से आप इसको शॉर्ट करते हो, ये हमने मार्क कर लिया स्विंग। अब जैसे ही आपने स्विंग मार्क किया, अब यहां से आपको बाइंग करनी है फिर सेलिंग करनी, ये मान के चलते हैं कि प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स के पास में है, इस रेंज पर आकर के प्राइस ने अपना लो ब्रेक कर दिया। पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी आपका स्विंग बनेगा, अब इसको हम लोग चार्ट पर समझेंगे, जो भी आपकी यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैंडल्स फॉर्म होंगी इस पॉइंट पर, हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स का यूज करना है। रेजिस्टेंस से टच हो जाने के बाद में जब प्राइस एक्शंस आपके स्टार्ट होते हैं, वहां पर हमें यह देखना है ऐसी कौन सी कैंडल है। एक सेकेंड जी भवन बोलिए। सर आपकी आवाज और स्क्रीन मुझे प्रॉपर नहीं दिख रही है, ये आपकी तरफ से कोई इशू होगा, बिकॉज सभी लोगों को स्क्रीन भी शो हो रही है और आवाज भी दिखाई पड़ रही है, मतलब आवाज भी सुनाई पड़ रही है। चलिए ठीक है, आप रिजॉइन कीजिए, नहीं होता तो फिर बात करते हैं। ये पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो वॉल्यूम्स या कंफर्मेशंस हैं, कौन सी ऐसी कैंडल है जो कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है, मतलब जिस एक कैंडल में बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव हुए हैं, किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर हम एक तरह से अगर लेकर के चलते हैं तो इस एक इंपॉर्टेंट कैंडल को हम माने, जब अपने इस स्विंग को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, गौर से समझिएगा, जब प्राइस अपने इस स्विंग को, अपनी इस कैंडल को, जिस भी कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है और उस कैंडल का एफर्ट है आपका स्विंग लगाने में, मतलब जिस मार्केट ने स्विंग लगाया है यहाँ पर, उस स्विंग की फॉर्मेशंस में जिस भी कैंडल के अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी, आपके लिए उस एक कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब ग्रुप ऑफ कैंडल में जो एक कैंडल इंपॉर्टेंट होगी आपकी, वो होगी ये वाली कैंडल जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है। वो दो लेवल्स कौन कौन से होंगे आपके, जैसे कि सबसे पहला तो होगा कि स्विंग, जो कि अभी हमने मार्क किया। अब यहां पर जो सेकंड पॉइंट होगा मेरा, वो ये वाला होगा, इसका रिट्रेसमेंट से क्या लेना देना है। हाई वॉल्यूम आ गया है, चलिए हमने मार्क कर लिया स्विंग के पास में, इसका रिट्रेसमेंट से क्या लेना देना है, जो हम लोग ये चीज देख रहे हैं, क्या मतलब है इसका। होता क्या है कि प्राइस जिस रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है,
दो ही चीजें यहाँ पर बनेंगी, या तो एग्रेसिवली प्राइस नीचे गिर जाएगा, और अगर रिट्रेस होना चाहता है वो, अगर रिट्रेस होना चाहता है, क्योंकि कहां तक रिट्रेस होगा कोई भी नहीं जानता, हम लोग ये जिस मेथड या जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करें ना, ये भी जस्ट एक एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से और संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी आप यहाँ पर काम करोगे ये सिर्फ अपनी तरफ से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो हम भी ये जिस भी मेथड का हम यूज करें ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। बहुत बार होगा कि ये सिस्टम काम नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर समय में आपको ये सिस्टम काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कोई भी सिस्टम आपको बता रहा है उसको फॉलो करते हो ये मत सोचिएगा कि तो परफेक्ट परफेक्ट इन द सेंस कि तो चलो ठीक है उसको तो काम कर ही लेंगे, है ना। बट ये चीज ध्यान रखिएगा जरूर फॉलो करते हुए कि हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, संभावनाएं क्या हो रही उस संभावना को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम जब अपनी इस एक कैंडल को मार्क कर लेंगे, प्राइस जब नीचे की दिशा में आपका ब्रेकआउट हुआ या तो नीचे गिर जाएगा या फिर अगर वो अपसाइड की तरफ आता है तो इस एक कैंडल के लो तक प्राइस मेरा आ सकता है। ये रिट्रेसमेंट का फेज होगा, दो बने, एक तो स्विंग लो, आगे चलकर के आपको हम बार्गेनिंग करना बताएंगे मार्केट में किस तरह से बार्गेनिंग करते हैं। जब आप बार्गेनिंग करोगे ना तब इस एक कैंडल का इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगा, ब्रेक होकर के प्राइस आपका, मतलब ये वाली जो कैंडल हमारी बनी यहां तक प्राइस मेरा रिट्रेस हो। ये तो बात हो गई कहां तक रिट्रेस हो सकता है, रिट्रेसमेंट का जरूरत ही क्यों पड़ी। दो तरह से हम लोग एंट्री लेते हैं, एक तो एग्रेसिव हो जाएगी और एक होगी मैनेजमेंट के साथ में। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं ना कि रिट्रेस एग्रेसिव एंट्री कैसे होगी, कि प्राइस ने अपना स्विंग ब्रेक किया और आपने डायरेक्ट एंट्री ले ली। डायरेक्ट एंट्री का बहुत बार तो ऐसा होगा कि सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि मूव आपको मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये होगा ना कि यहाँ पर आपकी क्वांटिटी कैलकुलेटेड नहीं है, 10 लेनी है 20 लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, कितने पर आपको प्राइस मिलेगा आपको नहीं मालूम, आपने जस्ट वहां पर अंदाजा लगाया और एंट्री ले ली। ये आगे चल करके मतलब किसी हद तक तो ठीक है, बट अभी अगर हम इस हिसाब से देख रहे हैं ना तो मेरे लिए बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, हम इसको तरजीह नहीं देंगे। यहां पर जो दूसरा मेथड होगा ना, एग्रेसिवली एंट्री ना लेकर के रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेना। अब रिट्रेसमेंट पर एंट्री अगर हम ले रहे हैं इसका फायदा क्या होगा, हमेशा आपकी क्वांटिटी कैलकुलेटेड होगी, और नुकसान क्या होगा, बहुत बार आप ट्रेंड को छोड़ दोगे, ट्रेंड आपके हाथ नहीं लगेगा। लेकिन ट्रेंड हाथ में नहीं लगेगा हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट यानी कि क्वांटिटी कैलकुलेटेड हो इसको हम नहीं छोड़ सकते। दो चीजें आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी कैलकुलेटेड चाहिए या नहीं चाहिए। क्वांटिटी अगर कैलकुलेटेड चाहिए तो आपको बहुत बार ऐसा होगा कि जो मूवमेंट आपके हाथ से निकल जाएंगे। क्वांटिटी कैलकुलेटेड नहीं चाहिए, हर बार आपको मूवमेंट कैच करना है, स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहना है, 20 रुपए का रिस्क लेने कैपेसिटी मार्केट आपसे 40-50 रुपए का रिस्क ले रही है या 40-50 रुपए आपसे ले रही है, वो देने के लिए अगर आप तैयार हो तो आप रिट्रेसमेंट का यूज मत करो। जब भी आपको एंट्री लेनी है रिट्रेसमेंट का यूज करो, क्वांटिटीज कैलकुलेट रखो अपने पास, कहां तक प्राइस मेरा रिट्रेस हो सकता है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक रिट्रेस हो सकता है, वेट करेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा हाई वॉल्यूम की कैंडल, दूसरा जो मेरा स्विंग लो होगा ये वाला पॉइंट जो सेकंड लाइन में आती है। अभी आपको जो एक काम करना है वो जस्ट अपने स्विंग लोस पर कंफर्मेशंस लेनी है, इतना डीप या फिर इतने अंदर तक आप रिट्रेसमेंट के लिए मत जाइए। जरूरत कब पड़ेगी आपको इस कैंडल की, तब जबकि कुछ एक परसेंटेज होते हैं कि जैसे अभी के लिए रिमेंबर जिस एक पॉइंट आप कर सकते हो वो ये एक कैंडल मेरी इंपॉर्टेंट होती है, रिट्रेसमेंट किस लिए जरूरी है हमने ये बताया, और रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकती है, कहां तक आपको वेट करना होगा इस एक कैंडल तक। बाकी रिट्रेसमेंट के दो पॉइंट्स होंगे, एक ये स्विंग और दूसरा ये हाई वॉल्यूम की कैंडल लोअर टाइम फ्रेम पर। ये चीज क्लियर, अभी चलते हैं डे टाइम फ्रेम पर। डे टाइम फ्रेम पर ऐसा क्या होगा, चलिए अब बात आती है अपनी डेली टाइम फ्रेम की, सेकंड पॉइंट, इस पर रिट्रेसमेंट का क्या यूज होगा। एक्चुअली यहाँ पर रिट्रेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लोअर टाइम फ्रेम पर तो इंपॉर्टेंट होता ही है, हाई टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि ये जो स्विंग्स बनते हैं हमारे, पूरा ये जो जोन बना मेरा ये रिट्रेसमेंट का जोन कहलाता है। यहाँ पर हम कोई एक लेवल डिसाइड नहीं कर सकते, इन दोनों लाइंस के अंदर जितना भी एरिया हमारा है ये पूरा का पूरा जोन बन गया, प्राइस कहीं तक भी रिट्रेस हो सकता है। अब अगर डिसाइड करना भी है कि प्राइस में रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है, या अगर अनुमान लगाना है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट प्राइस हमारा कर सकता है हायर टाइम फ्रेम पर,
तो वो रेंज कौन कौन सी हो सकती है आपकी। अब बात करते हैं यहाँ की, जिसे एक स्विंग को प्राइस ब्रेक करके मेरा अप साइड की तरफ गया है, यहां तक गया है, इस एक रेंज को प्राइस ब्रेक करके अप साइड की तरफ गया था ना, तो इस एक जोन में एक इंपॉर्टेंट कैंडल हमें फाइंड करने के लिए। इंपॉर्टेंट कैंडल कैसे फाइंड करेंगे, जिस कैंडल की वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी। यहां पर भी देखिए जो इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स को दे रहे हैं। ये वाले जो स्विंग्स होते हैं यहाँ पर, अब मान के चलते हैं कि मेरी ये वाली जो कैंडल है ना इसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, हम एक लेवल मार्क करके छोड़ देंगे अपना। अब ये लेवल आपको हायर टाइम फ्रेम पर जब प्राइस के अंदर, जब हम आपको प्राइस की एनालिसिस करना सिखाएंगे ना ट्रेड एग्जीक्यूशन में, उस वक्त हम इस जोन का हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस के रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। अभी के लिए हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं या अभी हम लोग इस चीज का क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज एक चीज आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जैसे लोअर टाइम फ्रेम पर हमने बताया ना वहां पर रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करो, हायर टाइम फ्रेम पर जो आपका स्विंग बनेगा, बिकॉज यही एक तरीका है हाई, इसे एक रिट्रेसमेंट पर यहां से यहां तक पूरी ये जो रिट्रेसमेंट हुई है यहां पर आपको एक जोन डिफाइन करना पड़ेगा, वो जोन जिसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुई है, उसे कैंडल को आपको मार्क करना है। और अब यहां पर क्या होगा ना कि जो इतना बड़ा जोन है आपका, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक तो मेरा स्विंग हाई, दूसरा जिसमें आपकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंस आप इसको दोगे और यहां तक मेरा प्राइस रिट्रेस हो सकता है, हम इस तरह की उम्मीद लेकर के चलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना प्राइस मेरा गिर तो गया है, मतलब वो रेंज के अंदर तक आ गया है, जब रेंज के अंदर तक मेरा प्राइस आ जाएगा तब हम अपनी इस कैंडल का इंपॉर्टेंस समझेंगे और इस कैंडल के पास में कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे हायर टाइम फ्रेम। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा एबीसीडी पैटर्न, पढ़ लेना गूगल पे या फिर कहीं पर भी, बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। एबीसीडी पैटर्न हो गया, चैनल हो गया, एबीसीडी पैटर्न जैसे क्या एच और एच एल, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसको डबल एच एंड एच एल से डिनोट किया जाता है, हाई हाई हायर लो भी बोलते हैं, इसी पैटर्न को आप 1 2 3 बोल सकते हो, सेम पैटर्न काम यही करेगा। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है चैनल्स के थ्रू, ये होता है रिट्रेसमेंट अपना, प्राइस ने एक डाउन लगाया मतलब अपना लो ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए लो ब्रेक किया और हाई को प्रोटेक्ट करते हुए वापस प्राइस नीचे की तरफ आ गया और ये जो जोन बना था अपना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक पॉइंट बचता है हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन का, अभी ट्रेड एग्जीक्यूशन में कैसे इसको यूज किया जाएगा, तो उसका आंसर मिलेगा हमको जिस लोअर टाइम फ्रेम पर अभी मैं आपको बताया लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस। आगे चलकर के जब लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इस एक पॉइंट का डिस्कशन हम लोग करेंगे जब लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप चार्ट पर चलिए, सीधे रेंडमली कोई भी चार्ट उठाते हैं, जैसे क्या सिप्ला है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, प्राइस का सबसे पहला लो यहाँ पर लगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, सबसे पहला लो मेरा यहाँ पर लगा, वापस प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ चला गया, रिट्रेसमेंट का जोन कौन सा बना मेरा, ये वाला, यहां तक मेरा प्राइस रिट्रेस हुआ। अब ये जो अपसाइड की तरफ मेरा प्राइस गया है, प्राइस जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं कर देगी आपको मूवमेंट दबे हुए नजर आएंगे, प्राइस जब तक इस रेंज का लो ब्रेक नहीं कर देगी आपको मूवमेंट बहुत स्लो स्मूथ मूवमेंट नजर आएंगे, और जैसे ही प्राइस का हाई ब्रेक होगा आपका इसके अंदर आपको मूवमेंट दिखेंगे कि अच्छे मूवमेंट हो, ये रिट्रेसमेंट हुआ वापस प्राइस अपसाइड की तरफ, ये रिट्रेसमेंट का जोन है, यहां पर देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसके अंदर आई है, हाई से लेकर के यहाँ हाई इस कैंडल ने लगाया है ना 11:35 की कैंडल में, और ये मेरा लो था, हाई और लो 1 2 3 तीनों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसके अंदर है, हम देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर जो लो लगा है मेरा 11:35 का, आप यहाँ पर 11:35 का लो मार्क करो और 11:35 का हाई, प्राइस अगर ट्रेंडिंग है इसको अपसाइड की तरफ निकलना, हम हमेशा वेट करेंगे कि प्राइस में इस रेंज का हाई ब्रेक हो, अगर ब्रेक होगा यहाँ पर हाईज ब्रेक होंगे तो प्राइस का मूवमेंट फिर आपको अपसाइड की तरफ दिखेंगे। फिर से देखिए अप में गया और डाउन साइड की तरफ, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस कैंडल में है, 1 2 3 यहाँ पर भी तीन कैंडल्स हैं, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसने 12:55, जिस भी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी अपने इस रिट्रेसमेंट की समझ में आएगी, प्राइस ने क्या किया यहाँ पर आया
यहाँ पर भी किस कैंडल का सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, जो हाई वॉल्यूम कैंडल थी, हाई वॉल्यूम की कैंडल से सपोर्ट लेकर के वो वापस के ऊपर चला गया, फिर उस कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं की है। देखिए ये रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर हैवी जो सबसे बड़ी कैंडल होगी आपको वो मार्क कर दी जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो देखिए इसने हाई लगाया और वापस आकर लो यहाँ पर लगा, तो हाई किसने लगाया है मेरा 2:15 की कैंडल में, हाई मार्क कर लो उसको। प्राइस ने क्लोजिंग देखिए कहाँ पर की है, 2:15 की कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग की, नीचे नहीं आया है वो। जितनी आसानी से मैंने आपको बताया ना, एक्चुअली समझने में उतना आसान नहीं है, लेकिन सिंपल वे में हम आपको बता रहे हैं, फिर से एक बार समझा रहे हैं कि जितने भी आपको स्विंग्स देखने हैं, लीजिए हाँ तो डिलीट हो गया, जो भी आपका स्विंग लगा होगा हमारे लिए एक अप ट्रेंड के बाद में जो स्विंग है ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, अप ट्रेंड के बाद में जो स्विंग है ये इंपॉर्टेंट है, हम इसी को मौका देंगे। सभी लोग रिजॉइन कीजिए, हायर टाइम फ्रेम पर फिर से प्राइस को एनालाइज करते हैं। ये चार्ट अपना चल रहा है, अभी इसके ऊपर देखते हैं, यहाँ से मार्केट अपनी शुरू हुई, स्विंग्स तो फिलहाल अभी नहीं ही लगे इसके अंदर, लगातार गिर ही रही है, जो रनिंग हो वो देखते हैं। अपनी मार्केट तो थोड़ा बहुत सस्टेन हुई है, ये वाली मार्केट गिरती चली जा रही है, एप्पल तो लगातार गिर रहा है। यहाँ देखिए बैंक ऑफ अमेरिका है, लो हाई लो ही लग रहे हैं अभी तक, ये दो मूवमेंट्स हुए अभी तक, हाई एक स्विंग बना हमारा और स्विंग के बाद में हाई और हाई के बाद में लो। अब ये लो है, प्राइस नीचे गिरता चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा मालूम नहीं है ना। यहाँ पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल में फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए हमने दो चीजें बोली आपको कि दो पॉइंट्स होंगे, एक तो ये जो स्विंग है हमारा, ये एक रिट्रेसमेंट का एरिया बनेगा कि यहां तक मेरा प्राइस रिट्रेस कर सकता है, और इस पूरे जोन में जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्लेसिंग हम लोग फाइंड करेंगे, जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैंडल फाइंड करेंगे वो कौन सा होगा। प्रभु माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर बोलिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैंडल फाइंड कीजिए सर, जो ये रेड कलर का है पिन बार वो है, ये वाला? हाँ जी सर, ये पिन बार हमारा, ये इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाएगी, इसका हाई और लो। इसका यूज कैसे करोगे, मतलब वन डायरेक्शन में किस तरह से होगा, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अभी किसी स्टॉक को हमें शॉर्ट करना है तो हम इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, बाइंग करना है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। यहाँ पर दो रेंज हमने फाइंड कर ली, इसको भूल जाइए, इसको भी डिलीट मार दीजिए, ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए, मतलब ये रिट्रेसमेंट है। अब अगर प्राइस मेरा नहीं, ये हाई देखिए, प्राइस मेरा नीचे गिरने को है तो उसके अंदर रिवर्सल किन किन पॉइंट से आ सकते हैं, वो ये वाले पॉइंट्स होंगे, लो अगेन, अगर प्राइस इसका लो ब्रेक कर दे तो लो हो जाएगा, समझ में आ रहा है? Okay. एक चीज लेकिन हमेशा सभी लोग याद रखिएगा, दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इसको फिक्स मत मानिए, अच्छा ये तो होता ही है चलो कर लेते हैं, प्राइस जैसे यहाँ पर गया आपने शॉर्ट मार दिया, ऐसा मत करिएगा। कभी भी हम बोल रहे हैं कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले कन्फर्मेशन जरूर लेनी है, कुछ बहुत ज्यादा ही टफ नहीं है, जस्ट हम लोगों ने आज की क्लास में क्या देखा या क्या सीखा, रिट्रेसमेंट के कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं, तो एक तो स्विंग लो तो होता है, ये तो सभी लोगों को मालूम है, और इस स्विंग जोन के अंदर कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट होगी मेरी, वो ये वाले कैंडल, जैसे जैसे प्राइस रेंज से अगर टच होता है उसके अंदर गिरने की संभावना बनी रहती है। अब आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर, हाई टाइम डेली टाइम फ्रेम के लिए किसी एक स्टॉक का नाम बोलिए। टाटा स्टील ले लो सर, सबसे लेटेस्ट लीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको आप प्रैक्टिस करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्विंग लो हाई लो और हाई, यहाँ पर देखिए स्विंग हाई लगा लो हाई एंड लो, इतने पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे पहला तो मेरा ये स्विंग हाई इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ तक रिट्रेस हो रही है अपसाइड, या फिर अगर ये नीचे की दिशा में जाता है, नीचे की तरफ अगर ये चला गया तो डाउन साइड की तरफ ये रिट्रेसमेंट फिक्स प्राइस, इतना तो हम लोग करेंगे। बट इस पूरे जोन में, इस पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इस पूरे मूवमेंट के दौरान कौन से कैंडल मेरी इंपॉर्टेंट है, हाई से लो तक मार्किंग कीजिए, वॉल्यूम देखिए हाई हो गया और ये लो हो गया, कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडल बन रही हमारी, वो ये वाली कैंडल, जैसे आपने लोअर टाइम फ्रेम पर किया था ना सेम वैसा, एक लो कर लिए। अब लो से आपको मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्विंग लो मार्क करना है, लगा नहीं है, अगर मान लो कि लगा होता तो यहाँ पर हम लोग कैसे मार्क करते, जो इंपॉर्टेंट कैंडल होते हैं उसको मार्क करेंगे, मतलब हाई मार्क करेंगे और यहाँ पर आप लो मार्क कर सकते, जिस भी तरह से देखोगे आप यहाँ पर स्विंग्स नजर आ जाएंगे,
एक तरह से इसका यूज हम लोग आगे चल के भी करेंगे जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत आराम से और बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, ये देखने में जितना आसान है जितनी आसानी से हमने बता देना, एक्चुअली समझने में बहुत समय लगा, अभी भी समझ ही रहे हैं ये एनालिसिस करते 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 जिस फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं। आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो नेक्स्ट वीक अगर अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस की तो नेक्स्ट वीक इसी चैप्टर को लेकर के बहुत सारे सवाल होंगे, और हो सकता है सेट थर्सडे की क्लास हम लोगों की ऐसे ही निकल जाए सिर्फ डिस्कशन करते करते इसकी प्रैक्टिस करके। क्लास आज के यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, जो भी डाउट है वो अपने क्लियर कर लीजिए। चतुर बोलिए।